आज जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो है बस। बस ये मेरा COA का लेक्चर टॉपिक सब्जेक्ट COA एंड लेक्चर इज बस। असलियत में बस क्या है, बस के बारे में ही आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि बस है क्या, क्या चीज़ है, किधर किधर इसका यूज़ होता है, क्या चीज़ ये होती है। तो बस पे सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इट इज़ अ कॉमन पाथ, इट इज़ अ कॉमन पाथ, इट इज़ अ कॉमन पाथ थ्रू विच डाटा एक्सेस हो जाए या हम डाटा को कंट्रोल कर सकें, या हम डाटा को कंट्रोल कर सकें। एक जनरल बात याद रखनी है, अगर बस सिस्टम हम मल्टीप्लेक्सर से बना रहे हैं और उसमें के रजिस्टर लग रहे हैं, इन ए जनरल बस सिस्टम, इन ए जनरल बस सिस्टम, अगर हमारे पास, अगर हमारे पास के रजिस्टर है और हर रजिस्टर हमारा एन बिट का है, के रजिस्टर है, हर रजिस्टर एन बिट का है, देन इट प्रोड्यूस एन लाइंस, या एन कॉमन लाइन बोलो, एन कॉमन लाइन बस, एन कॉमन लाइन बस, मतलब ये एन कॉमन लाइन देगा, ठीक है, एन कॉमन लाइन देगा। ये तुम्हें अगर इतना पार्ट अगर नहीं समझ आया तो हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं इस पे। जैसे अगर मैं बोल दूँ इन अ डिजिटल कंप्यूटर, एक क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, दैट इन अ डिजिटल कंप्यूटर अ कॉमन बस फॉर 16 रजिस्टर, 16 क्या हमारे पास रजिस्टर है, अ कॉमन बस फॉर 16 रजिस्टर ऑफ 32 बिट ईच, ऑफ 32 बिट, एन की वैल्यू हमें मिल गई, के की वैल्यू हमें मिल गई, ऑफ 32 बिट ईच इज रिक्वायर्ड, द बस इज कंस्ट्रक्टेड विथ मक्स। याद रखना है जितने भी बस क्रिएट हो रही है मक्स से हो रही है, जब जाके हमारा के रजिस्टर एन बिट है तो देन इंट्रोड्यूस एन कॉमन लाइन, अगर हम मक्स यूज़ कर रहे हैं तब, ठीक है जी। द बस इज कंस्ट्रक्टेड विथ मक्स, फाइंड हाउ मैनी सिलेक्ट लाइन्स आर यूज, कितनी सिलेक्ट लाइन यूज हो रही है, सिलेक्ट लाइन मक्स में सिलेक्ट लाइन यूज होती है, तो वो हमें निकालना है। और क्या बोल रहे हैं, मक्स कितने रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लेक्सर कितने रिक्वायर्ड है, मक्स रिक्वायर्ड कितने हैं वो देखने है। और साइज ऑफ ईच बिट, साइज ऑफ ईच मक्स, मक्स का हमें साइज देखना है। देखो एक और चीज लिख लो कि साइज ऑफ मक्स हम कैसे निकालते हैं, के इंटू वन कर लेते हैं। यहाँ एक चीज और लिख लेना, साइज ऑफ मक्स अगर कहीं निकालने को आ जाए देन इट इज इक्वल्स टू के इंटू वन, या के इंटू एन कह लो, तुम के इंटू एन कह लो बेटर रहेगा, के इंटू एन। ओके, जैसे इधर मैं बात कर रहा हूँ सिलेक्ट लाइन्स, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन को अभी तुम छोड़ दो, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स को छोड़ दो। सबसे पहले अगर हम सोचें नंबर ऑफ मक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मक्स कितने यूज होंगे ये सोचे, एंड साइज ऑफ ईच मक्स। तो सबसे पहले हम साइज ऑफ ईच मक्स निकाल लेते हैं, के इंटू एन करना है, के हमारे पास ये रहा, एन हमारे पास ये रहा, तो क्या हो गया 16 इंटू 32, इज एम राइट, ठीक है। सिलेक्ट लाइन्स इसके लिए कितनी हो जाएगी वो देख लो, सिलेक्ट लाइन्स हमारी इस पे भी डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मक्स कितने रिक्वायर्ड होंगे
32 32 बिट का है, तो जितने बिट का होगा उतने ही हमारे मक्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उतने ही हमारे मक्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, देन सिलेक्ट लाइन्स आर 5, तो हमारी सिलेक्ट लाइन कितनी यूज होगी, 5 इज माई सिलेक्ट लाइन रिक्वायर्ड, तो ये हो गया मेरा आंसर 5। ओके, तो ये बातें थोड़ी बहुत याद रखनी है इसके बारे में, जो बस में चीज जो हमारे सिलेबस में बीटेक के सिलेबस में जो वो सिर्फ इतनी ही है बस के बारे में जितने मैंने बताई है। इसके बाद में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती है बस से रिलेटेड, कि अगर हमें कोई डाटा शेयर करना है, कोई रजिस्टर में हमारा डाटा पड़ा है वो हमें शेयर करना है, तो हम कैसे करेंगे, उसको सीखने के लिए हमें थोड़ी चीज़ें और सीखनी होगी, हमें थोड़ी चीज़ें और सीखनी होगी, वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले सभी को डिकोडर पता होना चाहिए क्या है, वर्क कैसे करता है ये पता होना चाहिए, तो हम थोड़ा बहुत डिकोडर की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास डिकोडर है 2:4 का, मतलब इसमें 2 इनपुट लाइन्स है एंड 4 आउटपुट लाइन्स है, दिस आउटपुट लाइन्स आर D0, D1, D2 एंड D3, जबकि इनपुट लाइन है मेरी S0 एंड S1, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। S0, S1 एंड दिस इज माई Y। अगर मेरा S0 0, S1 भी 0 है तो मेरा आंसर होगा D0। ओके, अगर मेरा S0 0 है एंड S1 इज माई 1, ये मेरा 0 एंड दिस इज 1, देन माई आंसर इज D1। ओके, अगर मेरा S0 1 है S1 0 है S0 1 है S1 0 है, देन माई आंसर इज D2, एंड अगर दोनों ही मेरे 1 है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बात हमें याद रखनी है डिकोडर के बारे में। इसके बाद एक चीज़ आती है ट्राई स्टेट बफर, ये क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये असलियत में कुछ इस वे में दिखने वाला प्राणी कह लो तुम, क्योंकि चीज़ों को जितना हम ओरिजिनल लेके चलेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो इसमें दो इनपुट होते हैं, इस वाले को हम नॉर्मल इनपुट बोलते हैं, लेट दिस इनपुट बी ए एंड दिस इज माय कंट्रोल इनपुट एंड दिस वन इज आउटपुट, लेट दिस बी वाई, दैट इज इक्वल टू ए, ऑब्वियस सी बात है। मे भी कई चांस कई बार नहीं भी आता ये ए, तो हम इसको डेफिनेटली हम कह नहीं सकते कि ये ए है या नहीं है। ठीक है, पहली बात तो इसमें इतनी चीज में किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकता है अगर किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है, एक बार वापस देख लो सारे कि क्या क्या हुआ इसमें, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, ध्यान से देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें कंडीशंस क्या है ट्राई स्टेट बफर्स की, उस पर चलते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास कंट्रोल इनपुट दिस सी, इसको मैं सी ले लेता हूँ, अगर मेरा सी इक्वल्स टू वन होगा तो मेरा जो इनपुट है वही एज एन आउटपुट आएगा। अगर मेरा C=0 हो गया ना, जैसे C=0 हो गया, देन माई आउटपुट इज ऑलवेज 1, कहने का मतलब है सर्किट ओपन हो जाएगा एंड कोई डाटा हमारा इनपुट वाला आउटपुट पे नहीं जाएगा। इस चीज को फिर ध्यान से सुन लो, अगर मेरा C=1 है देन माई इनपुट इज माई आउटपुट, अगर C=0 तो इनपुट एज एन आउटपुट नहीं होगा। वेन कंट्रोल इनपुट इज 1 द बफर आउटपुट इज इनेबल्ड एंड द बफर अलाउज टू ट्रांसफर द डाटा, वेन कंट्रोल इनपुट इज 1 देन बफर आउटपुट इज इनेबल्ड एंड कंट्रोल इनपुट इज ट्रांसफर टू द डाटा। ठीक है, अगर यही हमारा 0 के देन बफर आउटपुट इज डिसेबल्ड
एंड इट डज नॉट अलाउज टू ट्रांसफर द डाटा एंड इट डज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर दिस इनपुट डाटा एज एन आउटपुट. ओके, तो ये बात भी तुम्हें याद रखनी होगी. अब हम चलते हैं कि हमें डाटा अगर शेयर करना है तो हम कैसे शेयर करेंगे. यूजिंग ट्राई स्टेट बफर. यूजिंग ट्राई स्टेट बफर कैसे शेयर करेंगे. शेयरिंग डाटा यूजिंग ट्राई स्टेट बफर. ओके, तो देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम करते हैं. अगर हमारे पास चार रजिस्टर, लेट दैट बी ए नोट, बी नोट, सी नोट एंड डी नोट, लेट दिस बी फोर रजिस्टर हैविंग कैपेसिटी ऑफ वन बिट. फोर रजिस्टर और सभी की कैपेसिटी कितनी है, फोर रजिस्टर हैविंग कैपेसिटी ऑफ वन बिट, हैविंग कैपेसिटी ऑफ वन बिट. अगर सभी की कैपेसिटी एक बिट की है तो हमें हर रजिस्टर में कुछ चीज़ें स्टोर्ड है, कुछ डाटा स्टोर्ड है, हर एक में कुछ अपना अपना डाटा स्टोर्ड है. इसको हमें एज एन आउटपुट देना है. जब मेरे पास ए नोट एज ए आउटपुट हो तो बी नोट, सी नोट, डी नोट ना आए, यही बात है. तो इसके लिए हम दो चीज़ें ही यूज़ करेंगे जिनकी मैंने बात की, डिकोडर एंड ट्राई स्टेट बफर, जो हमने दो बात अभी थोड़ी देर पहले की थी. सबसे पहले तो हम एक डिकोडर लगाएंगे, ठीक है, 2:4 का लगाएंगे, क्योंकि हमें चार आउटपुट चाहिए, दैट इज ए नोट, बी नोट, सी नोट एंड डी नोट. तो 2 की पावर 2 एज एन इनपुट आएंगे, जब भी तो 4 एज एन आंसर आएगा, एज एन आउटपुट आएगा. तो 2 एज एन इनपुट चाहिए मेरे को, दैट इज एस नोट एंड एस वन. इतनी बात में किसी को कोई परेशानी आए होप नहीं होनी चाहिए. अब मेरा काम आ जाता है भाई ट्राई स्टेट बफर जी का, इनकी बात हम कर लेते हैं. देखो जी, अगर सॉरी इधर थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, ये डी नोट, डी वन, डी टू, डी थ्री ही रखेंगे हम. ये मेरा ए नोट होगा, ये मेरा ए नोट होगा. जब मेरा एस नोट एंड एस वन, फिर सुन लो, जब मेरा एस नोट एंड एस वन 0:0 होगा तो मेरा डी नोट एज एन आउटपुट आएगा. तो मतलब डी नोट चलेगा मेरा, तो डी नोट चलेगा, डी नोट चल रहा है मेरा. पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर तुम्हें बता देता हूँ कि ये हो कैसे रहा है, चल कैसे रहा है. अब यहाँ हमारा डी वन भाई साहब आ गए, यहाँ हम डी नोट रख लेते, यहाँ हम सी नोट रख लेते और यहाँ डी नोट रख लेते, ठीक है. देखो हमने डिकोडर की बात की थी तो इसमें हम ऐसे भी लिखते होते थे, अगर तुम्हें याद हो तो, डी नोट, डी वन, डी टू, डी थ्री. जब मेरा ये दोनों जीरो है तो मेरा डी नोट वन होगा, बाकी सारे जीरो होंगे. इट मीन्स दैट डी नोट इज वन. एंड मैंने ट्राई स्टेट बफर की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर सी वन है तो इनपुट इज माई आउटपुट, तो मेरा यहाँ एज एन आउटपुट ए नोट आएगा, क्योंकि ये अभी वन है जब ये जीरो जीरो हुए. अब जब मेरा जीरो वन हो गया तो मेरा डी वन एज एन वन हो गया, बाकी सारे जीरो हो गए. तो बाकी सारे जीरो हो गए तो डी वन एज एन आउटपुट, तो बी नोट एज एन आउटपुट आ जाएगा. ऐसे सिमिलरली 1:0 होगा तो 0:0 डी टू एज एन आउटपुट आएगा. ऐसी लास्ट वाले केस में 0:0:0:1 तो डी नोट एज एन आउटपुट मेरा सभी के सामने आ जाएगा, ठीक है. तो ये तो मैंने बात की थी चार रजिस्टर की. अगर यही मैं बात करता 8 रजिस्टर की तो क्या होता, ये भी सोचने वाली बात है. अभी 8 रजिस्टर होते तो क्या होता, तो भी यही होता, लेकिन
क्या हो जाता हमारे पास? अगर ऐसा होता तो हमारे पास क्या होता? इसकी जगह हम 3:8 कर लेते, आठ आउटपुट आ जाते हमारे, ठीक है, 8 रजिस्टर होते तो, और 8 इधर ऐसे बनते और सभी 8 एक दूसरे जुड़े होते। लेकिन ये 8 रजिस्टर ऑफ 1 बिट की बात हुई है। अभी अभी मैंने 2 बिट की बात नहीं की है, अभी मैंने 2 बिट की बात नहीं की है। अब हम बात करते हैं 2 बिट की। 2 बिट कोई खास चीज ऐसी वैसी नहीं है, बस हल्की सी एक चीज हमें याद रखनी होती है, और है ये कुछ भी नहीं। 2 बिट की अगर मैं बात करता हूँ, मेरे 2 डिकोडर यूज होंगे 2:4 के, 4 आउटपुट आएंगे, 2 इनपुट, 2 इनपुट, जो इसके 2 इनपुट हैं भी इसके 2 होंगे, ठीक है, और ये सारे अपने अपने ट्राई स्टेट बफर से जुड़े होंगे। ठीक है, दिस इज ए नोट, बी नोट, सी नोट एंड डी नोट। सिमिलरली ये भी ट्राई स्टेट बफर से जुड़े होंगे। ठीक है, दिस इज माई ए वन, बी वन, सी वन, डी वन। तो ये 2 बिट के हो गए, ए नोट एंड ए वन। जब मेरा एस नोट एस वन 0 होगा तो मैं डी नोट डी वन डी टू डी थ्री, सिमिलरली डी नोट डी वन डी टू डी थ्री। जब मेरा एस नोट एंड एस वन 0 0 होगा तो मेरा डी नोट काम करेगा, डी नोट मेरा 1 होगा, देन माई आउटपुट विल बी, इधर से मेरा ए नोट एज एन आउटपुट आ जाएगा, नीचे वाले से मेरा ए वन एज एन आउटपुट आ जाएगा, 2 बिट आ गए। अब मेरा एस 0 एस 1 0 1 है तो डी वन एज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, इधर से डी वन चला तो बी नोट एज एन आउटपुट आया, इधर से चला तो बी वन एज एन आउटपुट आया। ऐसे ही जब 1 0 होगा तो डी टू 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी नोट एंड सी वन। ऐसे जब 1 1 होगा तो डी 4 एज एन आंसर आएगा, एंड आंसर हो जाएगा डी नोट डी 1। तो ये होगा 2 बिट के लिए। और इतना ही हमारा जो बस और माइक्रो ऑपरेशन का जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है जो हमें पढ़ना है। इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना इतनी कोई ज़रूरत आती है। जितनी बात हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इसके अलावा कोई फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट्स हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है मैसेज करने का भी, तो इसमें मैसेज भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, ये भी एक तरीका है। इसके बाद जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन होगा, जो आता होता है जनरली चैप्टर, एंड काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो इसकी वीडियोस भी हमारी उतनी ही बड़ी बनेगी। कोशिश करेंगे जितना छोटा हो सके उतना छोटा करके समझाएं, और चैप्टर कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारे हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, धीरे धीरे बनाएंगे। तो इसके लिए ही, और अगली प्रेजेंटेशन मैं कुछ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के बेसिक्स पॉइंट बताऊंगा, और उसके बाद हम थोड़ा डीप में जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।